हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम मार्च के करंट अफेयर्स करेंगे, बैंकिंग सेक्टर के, स्पोर्ट्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। तो तीनों टॉपिक्स आज हम एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आरबीआई इश्यूज वार्निंग अगेंस्ट जूस जैकिंग। तो भाई ये जूस जैकिंग टर्म ना बड़ी चल रही है आजकल न्यूज़ में, इसके ऊपर हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ना न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है आजकल इंटरनेट पे, है क्या ये जूस जैकिंग, देखते हैं। आपको यहाँ पे जो इमेज है इसी से पता चल चुका होगा कि है क्या ये जूस जैकिंग, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ने इसके ऊपर एक कॉशनरी मैसेज भी इशू किया था, जो आपको क्या पता शायद आपके फ़ोन पे भी आया हो, आपको देखने को पता चला हो कि जो हम जब कभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जब भी कभी हम ट्रैवल करते हैं, जैसे आप जा रहे हो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, आपको वहाँ पे ना यूएसबी पोर्ट्स दिख जाते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज करने के लिए। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देते हो, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही करते हो ना। तो इसी चीज़ को लेके ये जूस जैकिंग है कि आपने ऐसा नहीं करना है। है क्या ये, एक सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट है, सॉरी दोस्तों, एक किस्म का ये साइबर अटैक है। हैकर क्या करेंगे इसमें, जो पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स होंगे उसमें क्या कर देंगे, मालवेयर को इन्फेक्ट कर देंगे, मालवेयर को इन्फेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जब आप फ़ोन अपना कनेक्ट करोगे, चार्ज करोगे, तो आपका जो डेटा होएगा वो स्टील कर लिया जाएगा, चाहे आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाटा है आपके फ़ोन में, वो सारा वो चुरा सकते हैं। तो इसलिए ये वर्ड है जूस जैकिंग, कि आप अपने फ़ोन पब्लिक प्लेसेस में चार्ज मत करें, जो वहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स होंगे वहाँ पे ना चार्ज करें। तो ये सबसे पहले टर्म जूस जैकिंग 2011 में आई थी, ठीक है जी, 2011 में आई थी, किसके द्वारा, जर्नलिस्ट ब्रायन क्रैब्स के द्वारा। तो उनके द्वारा ये टर्म यूज़ की गई थी, ब्रायन क्रैब्स के द्वारा जूस जैकिंग। आरबीआई की तरफ से एक कॉशनरी मैसेज मोबाइल यूजर्स को भेजा गया है इसी के रिगार्डिंग, साइबर अटैक है ये एक टाइप का। नेक्स्ट आ जाइए, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स अ 4% हाइक इन डेयरनेस अलाउंस। तो भाई लोगों को इसका बहुत इंतजार रहता है कि कब हमारा जो पेंशन है या सैलरी उसमें कब इंक्रीज हो। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4% का हाइक डियरेंस अलाउंसेंस में, डीए में। तो इसमें क्या हुआ है कि जो आपकी सैलरी आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी रिलीफ वाली बात है कि 4% का हाइक मिला उनकी पेंशन में या सैलरी में। 49.18 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनको बेनिफिट था, और 67.95 पेंशनर्स हैं जिनको इस स्कीम का बेनिफिट हुआ है, और ये 2024 में 1 जनवरी को लागू हो गई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, आरबीआई बैंक ऑफ इंडोनेशिया साइन पैक्ट, एमओयू साइन हुआ है आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया में। हमारे गवर्नर है आरबीआई के शशिकांता दास, ठीक है जी, शशिकांता दास, और इंडोनेशिया के गवर्नर है, जो इंडोनेशियन बैंक के गवर्नर है पैरी वारजियो। भाई हैंड राइटिंग का थोड़ा है, चलो इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे, वैसे भी इतनी नहीं है गंदी, वो थोड़ा सा इस पर हो रहा है पेन टैप पे लिखने के कारण, ठीक है जी। बस आपको दिख रहा है नाम, ये बीच में भी लिखा हुआ है स्लाइड में, पैरी वारजियो है। उनके दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, जिसमें क्या करेंगे, जो लोकल करेंसीज है उसको प्रमोट करेंगे, जैसे इंडियन रुपी है और इंडोनेशियन रुपी है, तो उनको बॉर्डर क्रॉस ट्रांजैक्शंस में यूज़ किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा लोकल करेंसीज को। तो ये एमओयू साइन हुआ है आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास और इंडोनेशिया के गवर्नर है, बैंक गवर्नर है पैरी वारजियो में, ठीक है जी, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, SBI की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें इंडिया की ग्रोथ को बताया गया कि जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारी जो GDP है वो रेट 8% तक जा सकती है, इंक्रीज़ होगी, और ये एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है 8.4% की ग्रोथ का, जो दिसंबर वाले क्वार्टर में हमें देखने को मिला था, ठीक है। विद द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिवाइजिंग अपग्रेड्स द GDP एस्टिमेट्स फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर्स ऑफ द फिस्कल ईयर। तो भाई यहाँ पे याद क्या रखना है आपने, SBI की तरफ से एक रिपोर्ट इशू की गई है, रिलीज़ की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 8% के आसपास पहुँच चुकी है, जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, इंप्रेसिव ग्रोथ है इंडिया की GDP में। याद रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP, तो उसमें इंडिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इंप्रेसिव ग्रोथ है इंडिया की, 8% के करीब आ चुका है हमारा ग्रोथ GDP रेट है जो। नेक्स्ट आ जाओ, तो भाई
यहाँ तक हमने बैंकिंग सेक्टर के हमारे करंट अफेयर्स थे जो डिस्कस कर लिए, अब बिल्कुल थोड़े से ही थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल थे, साथ में आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है जी। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो यूनियन कैबिनेट जो हेड की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, उन्होंने अप्रूव किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। तो भाई स्थापित किया जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसके हेडक्वार्टर्स होंगे इंडिया में। ये यूनियन कैबिनेट का फैसला है जिसको हेड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये वन टाइम बजटरी सपोर्ट है 150 करोड़ रुपीस की फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 2023 से 2028 तक। क्या किया जाएगा इसमें भाई, ये अलायंस होगी मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलेशन है, गठबंधन है जो 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज है उनके बीच में ये अलायंस होएगा, कोलेशन हुई है, अलायंस है जो। इसमें क्या किया जाएगा, जो बिग कैट है जैसे लायन हो गया, टाइगर, चीता, जैगुआर, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, पुमा, लिपर्ड, लियोपार्ड, तो भाई इन सभी के ऊपर जो ये हमारी 7 बिग कैट है इनके ऊपर एक अलायंस बनी है इनको कंजर्व करने के लिए। इनमें से 5 है जो तो इंडिया में ही मिल जाएगी, ठीक है ना। जैगुआर और पुमा ये इंडिया में नहीं है और बाकी के आपको 5 यहीं पे मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर एक अलायंस बनी है जो इनको कंजर्व करेंगे, क्योंकि इनकी गिनती काफ़ी कम हो रही है, इसके ऊपर एक अलायंस बना है जो कंजर्व करेंगे इनको, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ द बिग कैट, इनको बचाएंगे, कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए रेक जेंस पेनिनसुला। तो है क्या ये क्या है, ये जो हमारा आइसलैंड है, आइलैंड है एक, तो साउथ में वहाँ पे क्या हुआ, वोल्केनो की इरप्शन हुई है रेक जेंस पेनिनसुला में। ये आइसलैंड में एक जगह है, वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुई है और जिसके कारण वहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अगर मैं आपको बात बताऊँ, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, जब हम वोल्केनोस करते हैं, अर्थक्वेक्स करते हैं, तब आपको पता है कि आप रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हो। तो ये आइसलैंड के साउथ में पड़ता है रिंग ऑफ फायर, तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती ही रहती है, सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन यहीं पे होती है इस एरिया में। तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुई है जिसके कारण वहाँ पे स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आइसलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिव रीजन्स ऑन द प्लेनेट। तो ये रिंग ऑफ फायर के आसपास वाला ये एरिया है जहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है। और जो ये वाला वोल्केनिक इरप्शन थी जिसको बोला जाता है फेग्रेडेलेस एफ जॉल, ये नाम है काफी खतरनाक है, याद कर लीजिएगा, फेग्रेडेलेस जॉल एंड लोकेटेड ऑन द रेक जेंस पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ द आइसलैंड। मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट आइसलैंड पे यहीं पे ये रिंग ऑफ फायर है, वहीं पे है ये रेक जेंस पेनिनसुला, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनोज आते रहते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज है यहाँ पे। तो यहाँ पे इरप्शंस के कारण क्या हुआ है, स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। याद रखिएगा, बस याद क्या रखना है, वॉल्केनो इरप्शन हुई है, वॉल्केनो का नाम यहाँ पर रख लीजिएगा, और ये हुआ कहाँ पे है, आइसलैंड में हुआ है, जगह कौन सी है, रेक जेंस पेनिनसुला, ये याद रखना है अपने, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है बस। नेक्स्ट आ जाइए ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म मेगन हिट्स ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है स्टॉर्म मेगन, जिसने वहाँ पे काफ़ी बारिश भी की और काफ़ी ज़्यादा तबाही भी की है हवाओं ने वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की नदर्न टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और हवा चली है जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे। और ये जो साइक्लोन था इसके कारण लैंडफॉल भी हुआ है वहाँ पे बोरोलोला में, और साथ में जो वहाँ पे रिवर है मैक आर्थर रिवर, तो ये आपको रिवर का कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वहाँ पे आपको रिवर पूछ ली जाएगी कई बार कि ये रिवर कौन सी कंट्री में है, तो आपको ये करंट अफेयर्स के साथ ये रिवर भी याद रहेगी, मोस्टली इंडियन रिवर ही पूछी जाती है, बट फिर भी ये करंट में इसलिए याद कर लीजिएगा, मैक आर्थर रिवर है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो जो टाइड सीमीटर थी ये रिवर 18 मीटर तक चली गई थी, जबकि 3 मीटर ये ज़्यादा गई है प्रीवियस रिकॉर्ड्स के अनुसार, 2001 में ये गई थी 15 मीटर के तक, अब ये 18 मीटर तक पीक पे जा चुकी है मैक आर्थर रिवर। ऑस्ट्रेलिया में कौन से साइक्लोन ने हिट की है, मेगन साइक्लोन ने, बस ये दो नाम याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए पनामा बिकम्स 97th मेंबर टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो भाई पनामा 97 मेंबर है अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और जो चिली है वो 95th मेंबर था और हंगरी 96 मेंबर था। मेन बात यहाँ पे याद करने की क्या है कि कौन मेंबर बने, क्योंकि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये इंडिया के द्वारा और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था पेरिस में, जब हमारी वहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी पेरिस में, तब वहाँ पे लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, गुरुग्राम में, और डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर अजय माथुर माथुर, बस ये नाम है आप याद रखिएगा यहाँ पे, अजय माथुर कौन है इसके, डायरेक्टर जनरल है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, गुरुग्राम में हरियाणा में, याद रखिएगा। और इस वरी हमारा यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है, टुवार्ड्स थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने क्या करनी है 2030 तक सोलर एनर्जी में लेके आनी है, सॉल्यूशंस में लेके आनी है। ये इंडिया का स्टार्टअप है, इंडिया में, इंडिया और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था ये पेरिस में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपसे ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए, नेपाल डिक्लेयर्स पोखरा एज इट्स टूरिज्म कैपिटल। तो भाई जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहाल, जिन्हें प्राचंदा भी बोला जाता है, उन्होंने डिक्लेयर किया है पोखरा को एज अ टूरिज्म कैपिटल, अ पिक्चरस्क्यू सिटी इन द गंदाकी प्रोविंस, गंदाकी प्रोविंस में है ये, उसको अपने टूरिज्म कैपिटल अनाउंस किया गया है, क्योंकि ये टूरिज्म को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म के लिए, तो इसे कैपिटल बनाया गया है टूरिज्म कैपिटल, किसे, पोखरा को। नेपाल के पीएम कौन है, पुष्पा कमल दहाल। तो भाई ये नाम आपने बस यहाँ पे याद रखने हैं और कुछ नहीं, पुष्पा कमल दहाल, जिसे प्रचंदा भी बोला जाता है, उन्होंने पोखरा को एज अ टूरिज्म कैपिटल अनाउंस किया है, डिक्लेयर कर दिया नेपाल की। अब बात करेंगे भाई मार्च के हमारे करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स के ऊपर, इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आर्चरी एशिया कप 2024, भाई इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, इंडिया बैग्स 14 मेडल्स इंक्लूडिंग 9 गोल्ड एट आर्चरी एशिया कप। तो आर्चरी एशिया कप में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, 24 का ये एशिया कप था, हुआ ये बगदाद में हुआ है, कहाँ पे, बगदाद में हुआ है, तो इराक में। इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। बस आपने क्या याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी में इंडिया में, कहाँ पे हुआ ये, बगदाद में इराक, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए प्रो कबड्डी लीग, भाई ये तो आप बहुत देखते होंगे, तो जो प्रो कबड्डी लीग थी इसका सीजन 10 था, पुनेरी पल्टन ने इस वरी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, मेन टाइटल इन्होंने ही जीता है, इन्होंने हराया किसको है, हरियाणा स्टेलर्स को इन्होंने हराया है, और इनका ये फर्स्ट एवर टाइटल है, पुणे की टीम है ये, ठीक है जी, पुनेरी पल्टन। और जो मेन टाइटल है, जो अभी तक के सबसे ज़्यादा टाइटल होल्ड टीम है, वो है पटना पायरेट्स, याद रखिएगा। इनके कैप्टन है असलम इमादार इनामदार, उनको मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन चुना गया है, यहाँ पे अवार्ड मिला है, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन एमबीपी कौन है, पुनेरी पल्टन के कैप्टन है असलम इनामदार। कौन सी टीम जीती है याद रखिएगा, पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आपके लिए खुशी की बात है, जो भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फैंस थे उनको भी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है, तो उनकी विमेन टीम थी जो, उन्होंने ये टाइटल जीत लिया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेन टीम ने। तो ये हुआ था जो हमारा अभी विमेन आईपीएल फॉर्मेट है, ये T20 क्रिकेट का फॉर्मेट है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल फर्स्ट प्लेस अचीव किया है, यहाँ पे ट्रॉफी जीती है इन्होंने, ठीक है जी। इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को, कहाँ पे, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। आपसे भाई क्या पूछा जा सकता है कि जो फाइनल था वो किस किस टीम के बीच में हुआ, ये हुआ है आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जीता किसने, आरसीबी ने। हुआ कहाँ पे था ये, अरुण जेटली स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये मैच हुआ था, ठीक है जी। 5 टीम्स थी बस, ये कोई वो नहीं है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसमें जीता था मुंबई इंडियंस ने, और जो WPL है विमेन प्रीमियर लीग, ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, BCCI के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है 2024 की, हराया किसे, विदर्भा। मुंबई विंस रणजी ट्रॉफी 2024 आफ्टर बीटिंग विदर्भा। भाई ये मुंबई की 42nd ट्रॉफी है रणजी में, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज भी इन्हीं के पास है, 42nd ट्रॉफी है मुंबई की, इन्होंने विदर्भा को हराया है। मैच कहाँ पे हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर, तो इंडिया के थे सथियान गणेश कर्ण, गणेश कर्ण नाम भाई थोड़ा देख लेना, ये नाम है उनका, गनाना शेकरन, उन्होंने यहाँ पे मैन सिंगल में टाइटल जीता है, हराया किसको है, लेबनान में हुआ था ये टूर्नामेंट, उन्होंने अपने मानव विकास ठक्कर को हराया, ठीक है जी, मानव विकास ठक्कर को हराया यहाँ पे, और वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर जीता है यहाँ पे, फर्स्ट एवर इंडियन है जिन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता है ये वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर में। हुआ कहाँ पे ये सीरीज, बेरत लेबनान में, याद रखिएगा।
लेबनान में हुई है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये टाइटल जीता है, फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर, याद रखिएगा नाम, याद रखिएगा ये नाम है, मैं मार्क कर रहा हूं, सत्यान गनेना शेखरन, और हराया किसे, मानव विकास थक्कर को। नेक्स्ट आ जाओ खेलो यूथ इंडिया गेम्स, मैंने ये आपको कराया था, ये पिछले मंथ हमने करंट अफेयर्स में किया था, खेलो यूथ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो महाराष्ट्र ने जीता था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, याद होएगा आपको। तो इसके ऊपर क्या न्यूज़ है, इसके ऊपर न्यूज़ है ये, जो खेलो इंडिया गेम्स में विनर्स है जिन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किए हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल है। मेडल विनर इन ऑल खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स विल नाउ बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एज पर रिवाइज क्राइटेरिया। अब भाई जो भी गोल्ड मेडल वहाँ पे लाएंगे तो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, और ये एलिजिबिलिटी एक्सटेंड हो रही है विनर्स को, मेडल्स लाएंगे जो खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स में, पैरा गेम्स हो चाहे वो विंटर गेम्स हो, उनमें जो भी गोल्ड मेडल आएगा उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। नेक्स्ट आ जाओ ऋतुराज गायकवाड़ टेक्स ओवर चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टनसी फ्रॉम धोनी। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन धोनी थे, बट इस बार ये कैप्टनसी ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी गई थी, ठीक है जी। 17 एडिशन था जो 2024 वाला हमारा IPL है, और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है BCCI की तरफ से, और टाटा यहाँ पे हमारा ऑफिशियल क्या होता है, स्पॉन्सर है। और ऋतुराज गायकवाड़ क्या है, ये चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के कैप्टन रहेंगे इस वाली 2024 सीजन में। तो दोस्तों ये थे हमारे अब तक के स्पोर्ट्स के, बैंकिंग के और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए, मार्च तक के मंथ के थे ये, हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ही आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, और आपको ये करंट अफेयर्स की PDF वहाँ पे मिल जाएगी, और भी आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं या नोट्स हैं वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे साथ के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।